नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, काठमांडू भारत के उत्तर में स्थित नेपाल की राजधानी और नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर काफी खूबसूरत और आकर्षणीय होने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और काफी सारे मंदिर और इमारतें हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन काठमांडू में इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर काफी सारे रहस्यों को नेपाल के लोगों के बीच मान्यता दी जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ काठमांडू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, काठमांडू को सिर्फ नेपाल की राजधानी तौर पे नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो धरती से लगभग 4,500 फुट ऊपर बसा दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख के आसपास है। काठमांडू को आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है और इस शहर का हर कोना बौद्ध मंदिर और मठों से भरा हुआ है, जो कि लगभग हजारों साल पुराना माने जाते हैं। प्राचीन समय के दौरान इस शहर को लोग कांतिपुर नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है धरती पे बसा एक गौरवमय शहर। काठमांडू में ज्यादातर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव देखा जाता है और सदियों से यहाँ की संस्कृति बौद्ध धर्म से प्रभावित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर बौद्ध धर्म को संस्कृत के जरिए समझाया जाता है। काठमांडू काफी ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि काठमांडू एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता है। काठमांडू की सृष्टि को लेकर यहाँ के लोगों के बीच काफी सारे रहस्यों को मान्यता दी जाती है। नेपाल के लोगों के मुताबिक हजारों साल पहले काठमांडू एक लेक हुआ करता था, जहां पर सांपों का काफी दबदबा माना जाता था। लेकिन किसी एक समय के दौरान मंचूसरी नाम का एक योद्धा आकर अपनी तलवार से इस लेक के पानी और सांपों को बाहर निकाल दिया गया और यहां पर एक शहर का निर्माण किया गया, जो कि मंजूपत्ता नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय के दौरान काठमांडू को भारत और तिब्बत के बीच व्यापार करने का एकमात्र जरिया माना जाता था और उस समय के दौरान यहां पर काफी सारे कुसंस्कारों को मान्यता दी जाती थी। काठमांडू का नाम दुनिया के उन शहरों में से आता है जो व्यापारिक तौर से पूरी तरह से अन्य शहर पर डिपेंडेंट होता है और काठमांडू का ज्यादातर सामान कलकत्ता पोर्ट के द्वारा लाया जाता है।